आज हम देख रहे हैं कि ये अलुसेनी का लोगो का जो स्केच है हम इसमें किस तरीके से बना सकते हैं। इस तरह का स्केच बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे एक एलिप्स टूल और इसे क्लिक करेंगे। एक सर्किल बनाएंगे हम 300 बाय 300 पिक्सल का, ओके करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसी सर्किल का अंदर जाके जो फिल है इसको नो फिल कर देंगे और जो इसकी आउटलाइन है रहने देंगे। इस पर क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट पर जाएंगे, सॉरी एडिट में जाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट में पाथ में और यहाँ से लेंगे ऑफसेट पाथ। तो यहाँ पे हम एक 50 पिक्सल का जो है ना एक पाथ ऑफसेट पे लेंगे पॉजिटिव पे और इसी पे क्लिक करके इसको रख देंगे। फिर इसका ऑल्टर करके एक डुप्लीकेट लेंगे सर्किल का। अब राउंड टेक्स्ट लिखने के लिए जो हमारे पास तरीकेकार है वो ये है कि हम यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे 2 सेकंड दबा के रखेंगे टेक्स्ट टूल के ऊपर, यहाँ पे हमें पाथ टूल मिलेगा टाइप ऑन अ पाथ, क्लिक करेंगे और इस पर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये नज़र आने लग जाएगा। बैक स्पेस दबा के डिलीट कर दें और यहाँ पे क्लिक करके इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें। अब आप टाइप करें यहाँ पे क्लिक करके तो ये बिल्कुल पाथ के ऊपर चलेगा। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे इसको यहाँ पे डॉट कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल और यहाँ पे क्लिक करके फॉन्ट साइज को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सेम लेंगे इसका मूव टूल और सिलेक्शन टूल और इस तरह से जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज को देखना है, क्लिक करके जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको जो राउंड टेक्स किया है हमने शेप के ऊपर इसको कंट्रोल करने के क्या तरीका है। यहाँ पे देखिए आपको एरो नजर आ रहा होगा, ये वाला जो एरो है ये इस पे एरो बना हुआ आ गया है और ये इसका स्टार्टिंग है, ये इसका एंड है। अब मैं इस एंड को पकड़ के इसको यहाँ तक लेकर आऊंगा, ठीक है। अगर ज़्यादा आगे ले जाऊंगा तो ये छुप जाएगा इसके अंदर, तो इसलिए ये इसको यहाँ तक मुझे रखना है, ये ब्लू तक। और ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो सेंटर पे देखिए जब मैं लेकर आऊंगा तो ये एरो के साथ एक दूसरा एरो अब मुझे पकड़ना है, तो मुझे सेंटर पे यहाँ से जब भी इसको सेटिंग आउट करनी है तो यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ से इसको पकड़ के मैं ऊपर वाले पॉइंट पे सेट करूँगा तो ऐसे सेट हो जाएगा। और अगर मैं इसको सेंटर पॉइंट इसका ये रहा यहाँ से पकड़ के इसको इधर सेट करूँगा, अंदर की तरफ तो अंदर की तरफ हो जाएगा, बाहर की तरफ करूंगा तो बाहर की तरफ हो जाऊंगा, ये देखिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब जूम आउट करें और यहाँ पे क्लिक करके इस पर क्लिक करें, शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक करें और अल्टर के साथ एक दफ़ा फिर से इस पर बगैर शिफ्ट के बगैर अल्टर के क्लिक करेंगे, बेस बन जाएगा लेफ्ट राइट सेंटर टॉप बॉटम सेंटर। अब ये दो हो गए, इस पर दोबारा क्लिक करें अल्टर शिफ्ट के साथ इसको पकड़ के ऐसे खींचे तो ये बड़ा होगा और ये एक हिसाब से ऐसे सेट हो जाएगा। सही, समझ में आ गई बात ये। अच्छा, अब उसके आगे देखते हैं, मिसाल के तौर पे अब इसके अंदर ये वाला शेप बना रहे हैं तो ये शेप कैसे बनेगा। इसके लिए आप क्या करें, एक सर्किल लें उसको एलिप्स शेप में बनाएं, उसको बनाने के बाद इसके अंदर जाके इसको नोफिल कर दें और इसको नोफिल करके यहाँ पे क्लिक करके आउटलाइन पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, इसके इस एंकर पे क्लिक करें और इसको कर्व में कन्वर्ट करें, फिर इस एंकर पे क्लिक करें, इसको भी कर्व में कन्वर्ट करें, फिर इसका ये वाला एंकर भी डिलीट कर दें और ये नीचे वाला एंकर भी इसका डिलीट कर दें। अब जब ये बच जाए तो इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक करें कन्वर्ट टू कर्व पे, ये करवा जाए। इस कर्व को खींचना चाहें तो आपकी मर्जी, थोड़ा और लंबा हो जाएगा अगर ये आप करना चाहें इस तरह से तो, ठीक है। उसके बाद क्या करें, सिलेक्शन टूल ले लें, अब इसको क्लिक करें, रिफ्लेक्शन टूल का इस्तेमाल करें, यहाँ पर आपको मिलेगा रिफ्लेक्शन टूल ये रहा। इसके बाद ऑल्टर के साथ यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ से इसकी कॉपी ले लें, फिर इन दोनों टूल्स को सिलेक्ट कर लें, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे से रिफ्लेक्शन टूल ले लें, फिर इसके बेस पे क्लिक करें और इसका हॉरिजॉन्टल ले लें, कॉपी कर दें। अब ये चारों मिलके एक शेप बना देंगे इस तरह का। अब इसके चारों एंकर्स अलग अलग हैं, ये देख लें, अब इनको एक बनाना है तो इसके दो एंकर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करें और इसको एवरेज निकालें और इसको ओके करें और इसको क्या कर दें, ज्वाइन कर दें। ये दोनों यहाँ से सिलेक्ट करें और इसका क्या निकालेंगे, एवरेज, उसको ओके करेंगे और इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से क्या निकालेंगे, एवरेज, और इसको ओके करेंगे और यहाँ से इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। फिर इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से निकालेंगे क्या, एवरेज, उसको ओके करेंगे और इसको यहाँ से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन को ऐड करना। अब ये एक शेप बन गया है, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको बेस बनाएंगे और उसके बाद लेफ्ट राइट सेंटर और टॉप बॉटम सेंटर करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे,
अब इस शेप को सेंटर में लेने के बाद शिफ्ट के साथ थोड़ा इस तरह से बड़ा करेंगे तो नीचे बढ़ेगा, ऑल्टर शिफ्ट के साथ दोनों साइड पर बढ़ाएंगे थोड़ा सा, उसके बाद ऑल्टर का साइड रख के इसको इस तरह से चौड़ा करेंगे, ठीक है, तो ये शेप ऐसे निकल आएगा। अब स्टार कैसे बनेगा और मून कैसे बनेगा, मून बनाने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे पेस्ट इन प्लेस, फिर इसको पकड़ के नीचे लेकर आएंगे इस तरीके से, और फिर जो है ऑल्टर के साथ और शिफ्ट के साथ इसको थोड़ी ऑल्टर के साथ ही इस तरह से कर देंगे। अच्छा, इसमें इसकी जो साइड्स हैं थोड़ी आगे पीछे हो जाएंगी, तो उसके लिए फिर आपको अलग से ये इस तरह से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और इस पर क्लिक करके लेफ्ट वाला बटन दबाएंगे तो ये देखें ऐसे ही एडजस्ट हो गया, बिल्कुल उसके ऊपर आ जाए, और इस पर क्लिक करके राइट वाला बटन दबाएंगे कीबोर्ड से तो ये देखें ऐसे एडजस्ट हो गया, और ऊपर जो है प्रॉपरली आपका एक मून का शेप जो है निकल आएगा। सही, समझ में आ गई बात ये। इसमें ये भी हो सकता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यहाँ पर रख के भी आप इसके एंकर पे नीचे की तरफ लाएंगे तो ये इस तरह का थोड़ा और शेप इम्प्रूवाइज वर्जन में आ जाएगा। सही है, तो ये हमें निकालना था यहाँ मून का शेप बेसिकली, तो ये मून का शेप यहाँ से निकल आया। ठीक है, तो यहाँ से क्लिक करके आप लेंगे स्टार का शेप, तो स्टार का शेप हमें मिलेगा यहाँ पे, 2 सेकंड दबा के रखेंगे स्टार, शिफ्ट के साथ एक स्टार बनाएंगे, उसको बना के हम लेंगे इसको रखेंगे इसके ऊपर ले जाके इसकी नोक के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से रखेंगे। अब थोड़ा बड़ा हो गया ये, तो इसके साथ शिफ्ट के साथ ही हम इसको थोड़ा छोटा करेंगे, थोड़ा और छोटा करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे। अब इस पे बड़ा करने के लिए बस हमारे पास ज्यादा कुछ ऑप्शन नहीं है, बस इस पे थोड़ा सा ये बड़ा करना है इसको, ये हो गया सर, ठीक है, तो ये देखें ये इसके साथ स्टार और ये हमने शेप बना दिया इसका।